हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी वे में। आज हम देख रहे हैं कैलेंडर से पार्ट टू, जिसमें हम बात करेंगे किसी भी तारीख का दिन ज्ञात करना। ठीक है, मान लो जैसे आपको पता होगा 15 अगस्त 1947। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस डेट को कौन सा, मतलब इस डेट को कौन सा दिन था, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। जो पार्ट फर्स्ट में हमने वीडियो में बात की थी, वो की थी हमने कंपैरेटिव बेस पे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक्चुअल प्रॉब्लम की। ठीक है, जो एक्चुअल होगा, रियल होगा, जो आप कैलेंडर से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको यही पता करना कि आपका बर्थडे का जो दिन था, जो डेट है, उस दिन आप कौन सा दिन था। अगर आपको नहीं पता है तो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, इसको करने की दो मेथड होती है। ठीक है, दो मेथड में से मैं आपको जो बता रहा हूँ अभी, ये कोडिंग वाला बता रहा हूँ जिसमें आप कोड का यूज़ करेंगे। हम कर तो उससे भी सकते हैं और वो बहुत अच्छा मेथड भी है, लेकिन उस मेथड के साथ प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि अगर पेपर में आता है तो आप उसको 30 सेकेंड के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, 30 सेकेंड हम अपने पेपर में एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड एक मेजरमेंट या पैमाना रखते हैं। ठीक है, हमको एक क्वेश्चन 30 सेकेंड के अंदर बन जाना चाहिए, और अगर मैं 30 सेकेंड की बात करूँ तो वो नहीं बनेगा, कम से कम वो आपको 1 मिनट से ऊपर टाइम ले लेगा। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, दो काम कर लो बस, और इससे फिर आपको सीधा सीधा आंसर आएगा। एक है माह का कोड याद कर लो। ठीक है, बस सिर्फ आपको क्या करना है, माह का कोड याद करना है, इसके अलावा आपको कोई भी काम नहीं करना है। तो देखिए, जैसे आपने अपना मोबाइल नंबर याद किया है, वैसे आप एक कोड याद कर लो। आप मेरे साथ याद करो, देखो 03361 पहला याद कर लो, 03361 4625 और 035, 03361 4625 035, ये है माह का कोड। तो देखिए, जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अप्रैल का 2, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। इसके अलावा कोई याद नहीं करना है। जो दिन की संख्या स्टार्ट होती है हमारी सोमवार, तो सोमवार को 1 लेना, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनि 6 और रविवार 7 या 0। ठीक, ये दोनों लेना। अब देखिए, शताब्दी कोड है, तो देखिए शताब्दी कोड में क्या करना है, सिर्फ आप याद रखो 1600 को आप 6 लिखते हो। किसको? 1600 को 6। अब आगे बढ़ो तो 1700 में 4, दो दो घटाते चलो, 1800 में 1800 में कितना आ गया है, फिर 2 आ जाएगा, और 1900 में कितना आ जाएगा हमारा, 1900 में 0। अब फिर 2000, तो 2000 को फिर 6 ले लो, फिर 6 2104 2202 2300 0, और अगर 2400 आता तो फिर उसको 6 ले लेते। तो इस तरह से आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ दो चीज़ याद रख लो। क्या? एक, सिर्फ हमारा शताब्दी का कोड 600 का हमारा स्टार्ट होता है 6 से, और मंथ का कोड, ठीक है, 03361 4625 035। बस इतना याद कर लो, ये वाला शताब्दी कोड याद कर लो बस, इसके अलावा आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो कैसे क्वेश्चन करना है। पहला, 15/8/1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, यही सब क्वेश्चन कराते हैं, तो मैंने भी आपको समझाने के लिए पहला क्वेश्चन यही ले लिया है। तो 1947 जब भारत हमारा आज़ाद हुआ अगस्त को, तो कौन से डेट था। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 ये लिख दिया, इस डेट को लिख दो 15, यहाँ पे 15 लिख दो, और ये कैलकुलेट करना अगस्त, और ये किस शताब्दी का है, 1900 का। तो पहले अगस्त का कोड क्या है, 2, 1900 शताब्दी का कोड क्या है, 0। अब ये ईयर बचा है ना 47, तो इसको यहाँ पे लिख दो, और अब यहाँ पे इस ईयर में लीप ईयर की संख्या याद करना है, तो लीप ईयर की संख्या कितनी होगी, 27/4, तो यहाँ से कितने आ गए, 11, तो सबको ये लिख दो 11, और आप सबको जोड़ दो। सबको जब जोड़ दोगे तो आप पूरा आंसर आया है आपका 75, डिवाइड बाय 7 करोगे तो शेष बचेगा 5, और शेष 5 बच रहा है, तो इसका मतलब है कि सोमवार से अगर आप एक काउंट कर रहे हैं तो आपका शेष जो बचेगा, तो शेष आ जाएगा, जो दिन आएगा वो आएगा आपको शुक्रवार। तो दो काम कर रहा हमने, यहाँ पे अगस्त का हमने कोड लिखा और हमारा शताब्दी का, तो 1900 और 47 पूरे साल को भी जोड़ना है, और सिर्फ लीप ईयर की संख्या 11 लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए एक और एग्जाम्पल, देखिए ज़्यादा समझ आएगा आपको। एक और एग्जाम्पल, 26/1/1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस है, उस दिन कौन सा दिवस था। तो देखिए 26 लिख दो पूरा का पूरा, 26, जनवरी का कोड 0, 1950 मतलब शताब्दी कौन सी है हमारी, वो है 1900 का जो कोड होगा वो होगा 0, पूरा 50 ये लिख दिया, और 12 कैसे लिखेंगे, 50 के जो 1900 से लेके 1950 तक कितने लीप वर्ष, तो 50 साल, 50 में से 4 से काटोगे तो 4 इसमें कितना बचेगा, आएगा हमारा 12।
ठीक है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, मतलब 12 लीप ईयर और बाकी जो साधारण वर्ष, तो लीप ईयर ये लिख दो, सबको जोड़ो 88, 88 को 7 से भाग दो, क्योंकि 88 एक्स्ट्रा डे है तो 7 से भाग दे दो, सब जितने कन्वर्ट होते जाएंगे तो वो महीने में हफ्ते में कन्वर्ट होंगे, बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो डे बचेगा, तो शेषफल कितना आया 4, शेषफल कितना है दोस्तों 4, तो 4 के हिसाब से क्या होगा, 4 हमारे कोड में कहाँ पे आता है, कोड वोड कुछ नहीं होता है, सिंपल बस मंथ कोड याद रखो, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, तो कोड कितना आ गया हमारा 4 कोड है, मतलब दिन हमारा गुरुवार है, होपफुली दोस्तों आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए 11/3/1998 को कौन सा दिन होगा, 11/3/1998 को कौन सा दिन होगा, सिंपल क्या करो 11 का 11 लिखा, ठीक है, 3 का 3 क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, मार्च का कोड कितना है हमारा 3/0/361, तो मार्च का कौन सा है 3, तो ये 3 लिख दिया। 1900 का भी हमने क्या देखा था 0, 98 का 98 लिखा, 98 में कितने लीप ईयर्स 24, सबको जोड़ दो कितना आ रहा है 136, इसको डिवाइड कर दो 7 के साथ, जैसे ही 7 के साथ डिवाइड करोगे तो जो शेषफल आएगा आपका आएगा 3, शेषफल 3 आया मतलब कि दिन कौन सा होगा बुधवार, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो अप्रैल 23 अप्रैल 2001, तो कैसे करोगे 23 का 23 लिख दिया, अप्रैल का कोड कितना है 6/0/3361, तो जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, अप्रैल का 6, 2000 का कंट्री कोड कितना होगा, मैंने बोला था 1900 के बाद फिर जो भी आएगा उसको 6 काउंट करो, 6 लिख दिया। अब ये 1 जो बच गया है तो उसको 1 लिख दिया साल का, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है वो लीप ईयर की संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पे लीप ईयर कुछ भी है क्या, कोई भी लीप ईयर नहीं है, जब कोई भी लीप ईयर नहीं है वो 2004 के बाद कुछ भी आता तब आपको लीप ईयर की संख्या, अब यहाँ पे लीप ईयर 2000 का 2004 होने वाला और मैंने डेट काहे की दी है आपको 2001, तो यहाँ पे लीप ईयर कुछ भी नहीं होगा, तो आप कितना काउंट करोगे 0, सबको जोड़ दीजिए 36 आएगा, 36 को 7 से डिवाइड कीजिए, शेष 1 आएगा, मतलब कि दिन कौन सा आ रहा होगा आपका, सोमवार दिन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी थोड़ा सा इसमें एक और क्वेश्चन है देखिए जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, देखिए लेकिन जो वर्ष लीप ईयर हो तो या लीप वर्ष हो तो उसको कैसे काउंट करना है, तो देखिए एक चीज़ याद रखिए, जब भी लीप वर्ष का जनवरी और फरवरी दे रहा है तब आपको एक चीज़ काउंट करना है, मैं आगे अभी बताता हूँ। तो देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम, पहले 20 जनवरी 2016 का कौन सा दिन होगा, तो अगर लीप वर्ष वाला वर्ष आ जाए तब सिर्फ एक चेंज करना है लीप ईयर की, जो लीप ईयर में से जो लीप ईयर की जो संख्या है उसको जो भी संख्या आ रही है उसमें से एक को घटा देना है, कितने को घटा देना है, एक को घटाकर लिख देना है, और कौन से को घटाना है, अगर जो मंथ दिया है जनवरी और फरवरी अगर इसके अलावा कुछ भी आता है तो लीप ईयर में से भी कुछ भी नहीं घटाना है आपको, जैसा आपने साधारण वर्ष के लिए किया था वैसा इसके लिए भी करिए। देखिए 20 जनवरी 2016 20 लिख दिया, जनवरी का कोड 0, 2000 का कोड 6, 16 का 16 साल, और यहाँ लीप ईयर की संख्या कितनी हो रही है 16 अपॉन में 4 करोगे तो 4 चौक 16 पूरा भाग जा रहा है, लेकिन एक घटा के लिखते हैं और एक घटाएंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 3, तो ये लिख दिया 3, क्यों है क्योंकि ये मंथ कब का दे रहा है जनवरी का, और अगर फरवरी का आता तब हम एक एक घटाते, ठीक है, ये बात अपने दिमाग में फिट कर लेना नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। अब इन सबको जोड़ा तो हमारा कितना आया 45/7 किया तो 45/7 तो 6 आया, तो 12 और इसमें से हम सॉरी जैसे ही हम यहाँ से करते हैं तो शेषफल जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, जो शेषफल होगा वो हमारा बचेगा 3, ठीक है, तो 45 है देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस गलत लिखा गया है, तो 7 × 35 और 6×42, ठीक है, तो ये 4 नहीं लिखा, 7×42 तो 45 में से गया तो कितना बचा 3, तो 3 बचा है, तो 3 कौन सा होगा दोस्तों बुधवार, चाहे तो आप चेक कर लो नेट पे दिन कौन सा आएगा आपका बुधवार, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अब देखो यहाँ पे भी देखो क्या है, 22/1992 को कौन सा दिन था, 22/1992 का कौन सा था, तो जो 1992 है वो भी क्या है, अगर मैं 92 को डिवाइड बाय 4 करूं, सॉरी 92 को मैं डिवाइड बाय 4 करूं तो करिए 4, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12 जा रहा है भाग पूरा कोई भी शेष नहीं बच रहा है, तो ये 92 तो है लीप ईयर, लेकिन यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, देखो दोस्तों 22 का 22 लिखा, 2 का 2 लिख दो, अगस्त का कोड 2, 1900 का कोड 0 और 92 का लिख दिया, और यहाँ पे
घटाया हमने 92 को लीप ईयर की संख्या जब हम निकाल रहे हैं यहाँ से, तो 92 डिवाइड बाय 4 किया तो 4 से काटा तो 23 बार। कोई भी नहीं घटाना है, कोई भी संख्या क्यों नहीं घटाना है, क्योंकि ये अगस्त का है, ना ही जनवरी का है ना ही फरवरी का, ये कब है, अगस्त का है। तो जब मैंने कहा सिर्फ जनवरी और फरवरी का अगर आता है तो सिर्फ तभी आप एक करिए, सबको कैलकुलेट कर दीजिए, 139 आ रहा होगा, 139 को आप 7 से डिवाइड करिए, हमारे पास एक्स्ट्रा डेज की संख्या है, तो ये एक्स्ट्रा डेज साथ साथ कन्वर्ट होते हैं, हफ्ते में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो भी रिमेनिंग डे बचेगा वही हमारा दिन होगा। शेषफल आ रहा है 6, इसका मतलब दिन कौन सा होगा, शेष 6 कौन सा होता है, वो होता है शनिवार। तो आप इस मेथड से किसी भी डेट का एक्चुअल दिन निकालना सीख सकते हैं, ये पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे इसको सिर्फ आपको एक ही काम करना है, सिर्फ मंथ का कोड याद रख लीजिए बस, और ये याद रखिए कि 1600 को हम 6 काउंट करते हैं बस, और उसके बाद दो दो घटाते चलिए, आपका कोड आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।